तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ वीवो प्रो कबड्डी लीग का आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 26वां मैच जो कि खेला जाएगा बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तेलुगु टाइटन्स के बीच में। तो भाई बात करें अगर दोनों ही टीम्स की रिसेंट परफॉर्मेंस, मतलब इस सीजन में क्या परफॉर्मेंस रही और क्या अभी इनकी मतलब रंग ढंग चल रहे हैं टीम के, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर भाई बेंगलोर की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वही अगर कंपेयर करें यहाँ पर तेलुगु से तो भाई इनकी टीम में अभी तक मेरे को कुछ खास नजर आया नहीं है, सिर्फ अगर एक सिद्धार्थ देसाई को छोड़ दे तो सॉरी भाई बीच में वीडियो कॉल आ गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो भाई बेंगलोर की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेंगलोर की टीम और तेलुगु टाइटन्स की टीम काफ़ी वीक लग रही है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर भाई काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर विनिंग करना, क्योंकि बेंगलोर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर लेके चलने, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। लास्ट मैच में जो भाई हमारे लिए जैकपॉट परफॉर्मेंस रही थी वो भाई महेंद्र सिंह की तरफ से आई थी, क्योंकि मैं आपको देखो आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो जिसमें मैंने बेंगलुरु का मैच कवर किया था, मैंने क्लियरली ये बोला था कि जिस दिन महेंद्र चलेगा ना एक तरफा विनिंग हमारी होने वाली है, बिल्कुल एक तरफा। रीजन क्या था भाई, टीम का सबसे मेन डिफेंडर है और भाई अगर यही नहीं चलेगा तो यार कब तक मतलब कब तक काम चलेगा, तो ये आप खुद समझदार हो है ना, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में देनी है। ऋतुराज कोरावी भाई काफी ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकता है जीएल के लिए, सबसे बेस्ट पिक मेरे को आज के मैच की यही लग रहा है ऋतुराज कोरावी, ये आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक हो सकता है, ठीक है ट्राई जरूर कर लेना। सौरभ नंदल बेहतरीन पिक मतलब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है अभी इस सीजन में, सी अरुण की बात करें तो आप ट्राई कर सकते हो। सुरेंद्र सिंह भाई पूरी तरह से फ्लॉप रहा है और भाई ये देखो टीम का मेन डिफेंडर है बट फिर भी भाई फ्लोप है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं ना। अमन ने भाई यहाँ पर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लगातार सिर्फ एक मैच को यहाँ पर अगर निकाल दो वो भी भाई उसमें भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अदरवाइज उसमें इसमें पर मतलब इसकी परफॉर्मेंस आई होगी। ये मैच भाई ड्रीम इलेवन पर अबंडेंट हो गया था तो इसीलिए वहाँ पर जीरो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की यहाँ पर क्या कुछ मतलब लास्ट मैचेज में परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उससे पहले भाई आपको बता दूँ जो फाइनल टीम है वो भाई टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पहले मैच की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है तो अगर अभी तक आपने मतलब वो वीडियो नहीं देखी और भाई वो मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पहला मैच जो मुंबई वर्सेस यू मुंबई वर्सेस यूपी होता है बीच खेला जाएगा, तो भाई वो वीडियो भी आप जरूर से वॉच कर सकते हो क्योंकि आपके लिए जैकपॉट परफॉर्मेंस उस मैच में मैं देने वाला हूं और इजीली आपको काफ़ी अच्छी विनिंग में करवा दूंगा, लेकिन भाई उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। लास्ट मैच में भाई बेंगलुरु बुल्स की बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स को बहुत ही बुरी तरीके से ये हरा के आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं पहले इनकी, भाई ये दूसरा मैच ओपन हो गया, यहाँ पर बात करते हैं भाई इस मैच की। तो यहाँ पर भाई पवन कुमार मतलब क्या ही परफॉर्मेंस थी यार बंदे की, 15 रेड पॉइंट, 2 टैकल पॉइंट, 5 बोनस पॉइंट, मतलब जैकपॉट से भी ऊपर की परफॉर्मेंस। हरियाणा के अगेंस्ट में भाई 16.5 का इनका एवरेज मतलब एवरेज है, यानी कि हर मैच में 16.5 16.5 रेड पॉइंट ये लेते हैं मतलब पॉइंट ये लेते हैं और भाई इस मैच में 22, यानी कि वो औसत अब और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वही अगर बात करें यहाँ पर जी बी मोरे भाई 4 टैकल के बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 5 भाई टोटल पॉइंट लिए, 1 बोनस लिया था। महेंद्र सिंह की बात करें तो भाई 4 टैकल इन्होंने किए और भाई महेंद्र सिंह हमें अकेला बंदा 104 पॉइंट देखे गया और सिर्फ इसकी वजह से हमने बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन स्वीप की। अमन ने भाई यहाँ पर 3 पॉइंट दिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने भी दी। सौरभ नंदल इनका भाई डिफेंस जम के चल रहा है, बिल्कुल जम के इस मैच में चला है और भाई अगर ऐसे डिफेंस चलेगा ना तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। मयूर की बात करें तो भाई ये थोड़ा हल्का खेल दिखा रहे हैं, अगर ये थोड़ा और फिट हो जाते हैं मतलब और फिट होने का मतलब मेंटली फिट हो जाते हैं और टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने लगते हैं तो भाई मेरे हिसाब से बेंगलुरु को रोकने वाला कोई भी नहीं है इस सीजन में। चंद्रन रंजीत भाई इस मैच में फ्लॉप हुए, अदरवाइज भाई काफी अच्छी परफॉर्मेंस चंद्रन रंजीत भी दे रहे हैं। इनके फ्लॉप होने का एक कारण मेरे को लग रहा है क्योंकि भाई यहां पर मैक्सिमम रेड इस मैच में पवन कुमार ने डाली थी, तो यहां पर भाई चंद्रन का फ्लॉप होना थोड़ा सा बनता है। तो थोड़ा पीछे चलेंगे यहां पर भाई, नीचे की साइड से चलते हुए देखेंगे जो तेलुगु टाइटन्स भाई अपना लास्ट मैच सिर्फ 2 पॉइंट से यहाँ पर हार के आ रही है हरियाणा के अगेंस्ट में। अब सिद्धार्थ देसाई भाई लगातार 2 मैच में सुपर 10 लगा चुके हैं, इस मैच में भी भाई 9 पॉइंट इन्होंने लिए थे बट भाई अकेला बंदा कब तक चलेगा आप खुद समझदार हो, ठीक है। अंकित बेनीवाल ने चलो थोड़ा बहुत अच्छा साथ दिया लेकिन भाई अंकित बेनीवाल ने भी इतना साथ नहीं दिया और ना तो भाई डिफेंस में तो कोई चल ही नहीं रहा, मतलब एक सी अरुण को निकाल दो 2 टैकल वाला, अदरवाइज भाई सारे फेल टैकल करके 1-1 टैकल लेके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऋतुराज कोरावी भाई मैच में नहीं चला क्योंकि ऋतुराज कोरावी से भाई काफी उम्मीद है मेरे को, ठीक है एक बेहतरीन से भी ऊपर का प्लेयर आपके लिए होने वाला है। सुरेंद्र सिंह फ्लॉप चल रहा है, अगर ये चलेगा तो बेहतरीन रहेगा। संदीप कंडोला फ्लॉप चल रहा है, तो
इनको भाई चलना पड़ेगा अगर भाई तेलुगु को विनिंग करनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीम की। तो देखो यहाँ से भाई मेरे हिसाब से सिद्धार्थ देसाई और पवन कुमार शेरावत दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोहित कुमार की बात मैं करना भूल गया। रोहित कुमार भाई बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। लास्ट सीजन को निकाल दो और इस सीजन को निकाल दो। इसके अलावा भाई इसने जो परफॉर्मेंस दी है ना मेरे हिसाब से भाई गजब की। जिस दिन ये चलता है ना चाहे सामने कोई भी बड़ा रेडर खेल रहा हो या कोई भी बड़ा डिफेंडर हो इसको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी के मतलब किसी को आसपास भी नहीं आने पर देता। इतनी मतलब सबसे ऊपर की परफॉर्मेंस इसकी रहती है और भाई बड़ा प्लेयर है। अगर एक मैच में चल गया ना तो आपको जैकपॉट परफॉर्मेंस देख के ही देख के जाएगा। तो ऐसे भाई दोनों के दोनों रेडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो इनको मैं ट्राई जरूर करूंगा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से भाई आर गौवड़ा या फिर भरत को आप ट्राई कर सकते हो। मैं भरत के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्रेडिट भी भाई काफी ज्यादा मैनेज करके चलने पड़ेंगे अगर भाई यहां से हमें अब चार डिफेंडर लेने हैं तो। ठीक है तो यहां से सबसे पहले भाई बात करेंगे। देखो महेंद्र सिंह आपके लिए बेहतरीन पिक होने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है। बट भाई क्रेडिट इशू आएगा और मैं इस मैच में ड्रॉप करके जाने वाला हूँ महेंद्र को सिर्फ ड्रीम इलेवन पर। बाकी जहाँ पर मैं खुद खेलना पसंद करता हूँ वहाँ पर भाई मैं इसको अपनी टीम में जरूर रखूंगा। मयूर कदम को मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ अमन को। और ऊपर की साइड से अगर हम ट्राई करेंगे सौरभ नंदन को तो भाई 12.5 क्रेडिट ही हमारे पास बचते हैं उसमें भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें एक यहाँ पर अगर बात करें आकाश चौधरी तो ये भाई एक प्लेयर दिख रहा है अगर भाई स्टार्टिंग सेवन में होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज भाई यहाँ से हम देखते हैं किसको ले किसको ना ले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला माहौल यहाँ पर बन रहा है। तो देखते भाई अगर कोई हमें दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपको मिल ही जाएगी। अदरवाइज भाई ड्रीम इलेवन पर यह मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा है। CVC भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके लिए पवन कुमार शेरावत और यहाँ पर भाई आपके लिए सिद्धार्थ देसाई ही होने वाले हैं। ठीक है यहाँ पर भाई मैंने चार डिफेंडर लिए हैं और मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑलराउंडर है। इसके अलावा भाई नीचे एक साइड आप देख सकते हो दोनों मैंने मेन रेडर दोनों टीम के मैंने मेन रेडर यहाँ पर पिक कर रखे हैं। अब चलिए चलते भाई यहाँ पर 11 चैलेंजर्स पर जहाँ पर भाई बिल्कुल भी क्रेडिट इशू नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर भाई हमारी बेस्ट टीम बनने वाली है। अमन हमारी टीम में रहेगा सौरभ नंदन हमारी टीम में रहेगा तीनों हमने मेन डिफेंडर पिक कर लिए। अब देखो यहाँ से संदीप कंडोला और सी अरुण इन दोनों में से आप किसको ट्राई करोगे। मेरे हिसाब से भाई इन दोनों में से आपको किसी को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप इजिली भाई यहाँ से सुरेंद्र सिंह के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखा सकते हो काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर है और भाई अपना मतलब अपना जो नाम है उसको भाई बनाने की दोबारा से कोशिश करेगा बंदा और भाई मैं इसको बैक करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है तो आप यहाँ से भाई ऋतुराज कोरावी या फिर सीआर उनको आप ट्राई कर सकते हो। मैं भाई अभी के लिए आपको कोई भी एडवाइस इस बारे में नहीं देने वाला। यहाँ पर जीबी मोरे की बात करें तो भाई लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई आप देख सकते हो सिर्फ 0.9% सिलेक्शन था और भाई 88 सिलेक्शन था इसका 0.35% सिर्फ 0.09% कैप्टन एज ए कैप्टन सिलेक्शन था और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 88 बंदा देखे गया यानी कि बेहतरीन से भी ऊपर की परफॉर्मेंस देखे गया। तो बड़ा प्लेयर है भाई चल रहा है मतलब इतना बड़ा भी नहीं है बट चल रहा है और पहले भी मतलब कुछ परफॉर्मेंस की हुई है इन्होंने तो वो मेरे याद है इसीलिए भाई मैं बड़ा प्लेयर इसको बोल रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं सिर्फ भरत के ऊपर भरोसा दिखा रहा हूँ। बात करें अगर यहाँ से भाई रेडिंग सेक्शन से तो यहाँ पर भाई पवन कुमार शेरावत और नीचे की साइड से भाई यहाँ पर सिद्धार्थ कुमार देसाई दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रोहित कुमार को मैं बता दूँ भाई रोहित कुमार को आप ट्राई कर सकते हो। कहाँ पर ट्राई करोगे भाई जीएल में एज ए कैप्टन वॉइस कैप्टन लेके जा सकते हो क्योंकि अगर देखो रोहित को आप ट्राई कर रहे हो ना तो ऐसे सिद्धार्थ को आप ड्रॉप करके ट्राई करना। ठीक है क्योंकि देखो अगर रोहित चलेगा ना तो भाई ये इतना फाड़ू चलेगा कि सिद्धार्थ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई टीम को। ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा सिद्धार्थ बेकार रेड रहा है या फिर सिद्धार्थ का लक्ष्य चल रहा है ऐसी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा भाई मैं। बट भाई सिद्धार्थ से ऊपर अगर मतलब जिस दिन हुआ ना उस दिन रोहित कुमार भाई किसी को भी आगे नहीं जाने देगा इतना मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप इसको जीएल में ट्राई कर सकते हो। CVC भाई यहाँ पर ऑब्वियसली बात है और कोई मेरे को अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा तो भाई मैं बिल्कुल सेफ जा रहा हूँ इस मैच में। बाकी फाइनल टीम में क्या पता यार मैं कुछ चेंजमेंट कर दूँ तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे टेलीग्राम चैनल पर ही। लेकिन भाई अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है आपका यहाँ पर वीडियो कंप्लीट देखने का क्योंकि देखो स्टार्टिंग सेवन आपको वहाँ पर पता लगेंगी। इसको हटाओ स्टार्टिंग सेवन को चलो आप कैसे भी पता कर भी लोगे। ठीक है जो जीएल की कुछ स्पेशल पिक्स होती है वो भाई आपको मैं बताने वाला हूँ स्टार्टिंग सेवन के आधार पर। ठीक है इसके अलावा हटाओ फाइनल टीम आपको मिलेगी स्मॉल लीग की तो इससे ज़्यादा भाई और आपको क्या ही चाहिए। मेरे हिसाब से भाई आपके लिए सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर कवर कर दूंगा और भाई कल के जो दोनों मैच रहे थे ना कमाल के गए थे और स्पेशली भाई 11 चैलेंजर्स और स्पोर्ट एसी पर। रीज़न सिंपल सा है भाई वहाँ पर क्रेडिट
इशू बिल्कुल नहीं है, हम अपने पसंद के प्लेयर्स को यहाँ पर पिक कर सकते हैं और भाई ड्रीम इलेवन पर नहीं पिक कर सकते, ठीक है। कल मैंने महेंद्र सिंह को भी, मतलब यहाँ पर लास्ट मैच में मैंने महेंद्र सिंह को भी यही रीज़न रहा भाई, मैंने पिक किया बट ड्रीम इलेवन पर नहीं कर पाया, ड्रीम इलेवन पर लॉस हो गया और इलेवन चैलेंजर्स और स्पोर्ट एसी पर अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो गया। इसीलिए मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, प्लेटफॉर्म कौन से आ रहा है ये मेरे हिसाब से मैटर करता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, जहाँ पर क्रेडिट इशू ना आए ना वहाँ पर खेलो, किसी पर भी खेलो भाई, आप कहीं पर भी जाके खेलो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको इलेवन चैलेंजर्स पर ही खेलना है, आप यहीं पर ही जीतोगे भाई, प्लीज़ सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना ढूंढो जहाँ पर भाई आपको क्रेडिट इशू ना आए और कंपटीशन भी थोड़ा सा लो, ठीक है। ऐसा मतलब आपको प्लेटफॉर्म ढूंढना है और उसके बाद भाई आपकी विनिंग मैं करवा दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर, और तब तक के लिए भाई जय हिंद वंदे मातरम। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर।